शाही नाश्ता करने का मुझे इतना मज़ा आता है और मैं इसे शाही नाश्ता बोलती हूँ क्योंकि ये पराठा है और ऑयल पराठा वगैरह ये चीज़ें जो है ना आजकल हम कम खाते हैं, और पहले मैं खाती थी वीक में वंस अ टाइम, यानी एक दफ़ा वीक में खा लेती थी ट्रीट एज अ ट्रीट लेके। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैंने उसको 10 डेज कर लिया, अब 2 वीक्स के बाद मैं फेवरेट वाला नाश्ता कर रही हूँ और डैट इज़ अंडा पराठा। पराठा मैंने बनाया है, फ्राई हाफ फ्राई मैंने बनाया है और चाय बन रही है। और इस नाश्ते के बाद आज जुमा मुबारक है माशाल्लाह से, मैंने अपने बालों पे अच्छे से ऑयलिंग कर लिया और ये जो आपको किचन की आवाज़ें आ रही है ना खाने बनने की, ऑमलेट बन रहा है, मेरी सिस्टर बना रही है। और फिर मैंने ऑयलिंग कर लिया, शावर लूँगी और देन फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जिम जाएंगे। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं, ठंडा हो रहा है। नमाज़ पढ़ ली मैंने, जुम्मा था और थोड़ा सा लेट हो गई जिसकी वजह से मैंने दौड़े लगाई हुई हैं और अब मैं जा रही हूँ। वैसे मैं जिम जाती हूँ तो ऐसे जाती हूँ, उसकी वजह ये है कि जिम सूट नीचे पहना होता है तो ऊपर से आराम से बाया पहन लेती हूँ, वहाँ जाके अपना बाया उतार लेती हूँ, कंफर्टेबल हो जाता है। वैसे तो बहुत से लोग ना वो लेके आते हैं बड़ी सी शॉल जो है ना, चादर ले आते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मुझे कंफर्टेबल बाया था, मेरे पास था भी, तो मैं इसे बाया करके वेल कर लेती हूँ और बहुत स्पीड से दौड़ लगाती हुई जा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ, बहुत 15 से 20 मिनट लेट हुई हूँ। लेकिन वो बहुत इसलिए क्योंकि जिम जाकर पता चला है कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती होता है, क्योंकि 30 सेकंड का प्लैंक अगर आपकी पूरी बॉडी के लिए इतना इफेक्टिव है तो आप सोच लें हम ज़िंदगी में कितने सेकंड ज़ाया करते हैं। खैर, अब मेरी फ्रेंड जिसको हम पिक करते हैं वो गेट पर ही खड़ी इंतज़ार कर रही है और हम बस फटाफट नॉक करेंगे और बाहर उसके साथ चलेंगे और जल्द से चलेंगे। और आप सबको भी जुम्मा मुबारक। जिम से वापस आने के बाद अम्मी ने बनाए हुए हैं मटर, आलू मटर मोंगरे और दिल नहीं कर रहा। और हमारे घर में तो ऐसा होता है, अम्मी से बड़ी जंगे होती हैं इस बात पे कि जब तो खाना रेडी हो जाता है तो तुम लोगों के ड्रामे तमाशे हो जाते हैं। ये वाकई है यार, हमारे घर में रोज़ के 2 से 3 दफ़ा खाना बनता है माशाल्लाह, लेकिन अम्मी को बड़ी तब चढ़ती है उसकी वजह से कि वो सब्ज़ी बनाती हैं रिजेक्ट मटर पुलाव बन जाता है या बिरयानी बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा होता है तो स्टीम रोस्ट रेडी हो जाता है, तो मतलब 2 खाने तो मस्ट है ना। बहुत कम दिन होता होगा कि खाने बनती हो, अगर एक बनी भी है ना तो दूसरी इसलिए बनी है क्योंकि मज़ा सब्ज़ी नहीं खाता, जिस दिन घर में सब्ज़ी है उसने कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो आज जिम से है तो आज मैंने मज़ा के साथ दी है क्योंकि मैं भी आज वही वाली कंडीशन में हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो अम्मी ने आलू मटर मोंगरे बनाए पकाए नहीं थे, अभी सिर्फ बना के रखे हुए थे, तो समझ नहीं आती क्या करूँ। मैंने निकाला पीस चिकन का, तो मैंने कहा आज मैं रोस्ट का पीस बनाती हूँ अपने लिए, स्टीम बल्कि। तो रोस्ट अभी मैं रोस्ट का मसाला लगाने के लिए सोच रही थी, फ्रीजर से निकाल के रखा। मज़र ने पूछा क्या बनाया, मैंने कहा आलू मटर मोंगरे, लेकिन आज मैं रोस्ट खा रही हूँ। तो वो रेडी हो गया कि तो मुझे भी रोस्ट खाना है, तो मैंने वो मसाला लगाया। फिर जब मैंने अलग मसाला लगा के फारग हुई तो अम्मी ने भी आवाज़ लगा दी, फिर है ना दो फिर तुम हमारा भी लगा दो, हम भी सब वही खा लेते हैं। तो फिर अब मैंने मसाला लगाया स्टीम का, स्टीम हो रहा है और फिर उसके बाद खाना खाएंगे और आलू मटर मोंगरे बने पड़े हैं, कल बनाएंगे, बस यही सब कुछ चलता है। तो आप लोग बताएं आपके घर में भी खाना खाने का यही रूटीन है कि पकी अंडी छोड़ के कुछ नया पकाया जाता है। सर्दियों का मौसम चेंज हो गया ना, तो मौसम चेंज होने के बाद दिल करता है कि कुछ पानी में जाने का दिल करता है, स्किन केयर करने का दिल करता है कि ब्लैंकेट से रज़ाई से जान छूट जाती है। तो बस आजकल मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आजकल मैं एक स्किन मास्क लगा रही हूँ अपनी स्किन के लिए, 2-3 दफ़ा लगा लिया मैंने। तो आज मैं सोच रही थी खाना खा के तो इशा की नमाज़ पढ़ के फिर एक दफ़ा सोने से पहले लगाती हूँ, और शायद कल मैंने बाज़ार भी जाना है संडे को, नहीं सॉरी सैटरडे को, आज फ्राइडे का व्लॉग है, आप तक शायद ये व्लॉग संडे को पहुँचे या सैटरडे को, जब मुझे टाइम मिल गया मैं इसको वॉइस ओवर एडिट करके जो है वो आप तक पहुँचा दूँगी। अभी फ़िलहाल ये चल रहा है व्लॉग, लेट्स सी कहाँ तक जाता है, फ्राइडे को कम्प्लीट होता है, सैटरडे को होता है या संडे को आपको मिलता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं व्लॉग को जल्दी वाइंड अप कर दूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि बस अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाऊँ, बेशक 3 दिन का इकट्ठा व्लॉग आपसे शेयर कर दूँ। तो कल बाज़ार भी जाना है, एनिवर्सरी आ रही है मेरी, वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसके लिए ड्रेस थोड़ी सी शॉपिंग और ये सब कुछ, तो एनिवर्सरी आ रही है इतना तो बनता है। ये खाना मेरा रेडी हो गया है और ये स्टीम रोस्ट, और ये मज़े का था खाना, बहुत मज़े का बना था। राइस अम्मी ने बनाए थे, मटर पुलाव और स्टीम जो था चिकन मैंने किया था, और बहुत मज़े का पीस बना था।
खाने का मज़ा आ गया। और वैसे भी जब चीज़ आपका बहुत दिल कर रहा हो ना, क्रेविंग कर रही हो, और वो उसी टाइम पर मिल जाए तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि मेरा भाई इस बात पे हमेशा कहता होता है कि जब दिल कर रहा होता है ना, तो बस तभी चीज़ का मिलने का ही मज़ा है। अगर आपको हो कि वो 2-4 दिन बाद मिल जाए और आपका दिल कर रहा हो, फिर वो बात नहीं रहती है। तो ये बात तो सच है कि वाकई जब कोई भी चीज़ हो, खाने पीने वाली हो या कुछ भी हो, जो अब चीज़ दिल करे और उस मौके पर ही मिल जाए ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और ये मज़े मज़े का दिल कर रहा है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझसे गलती होगी कि मैं आपके साथ ये रेसिपी भी ज़रूर शेयर करती हूँ। बारिश हो गई है, खाना खा के फारिग हुए हैं। इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी और मैंने कहा मुझे लगता है कि बाहर मौसम ऐसे है, तो मैं अपने हस्बैंड से कॉल पे बात कर रही थी, तो वो मुझे कह रहे कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। तो मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं, और मैं देखने गई हूँ, कोई बारिश का सीन नहीं था। लेकिन देखना आप, आवाज़ आ रही होगी आपको, और इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी, और मैंने भी जाके देखा तो फुल तेज़ बारिश हो रही थी। तो सर्दी एक बार फिर जाके आ रही है। ये सर्दी तो वापस जाके आनी थी, हम सबको इसका इंतज़ार था, क्योंकि ये आएगी और बस ये थोड़े दिनों की सर्दी होगी, फिर हम गर्मी के मौसम में एंटर हो जाएंगे। हाय अल्लाह, बहुत मुश्किल होता, लेकिन फिर भी रोज़े काफ़ी बेहतर गुजर जाएंगे ईद के। आप लोग बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप किस किस शहर से अगर वीडियो देख रहे हैं और आपके शहर में बारिश हो गई है, जो जिसका इंतज़ार था आखिरी बारिश की, और सर्दी आ गई है। मुझे नहीं लगता कि इस बारिश के बाद इतनी सर्दी आएगी, क्योंकि मुझे नहीं इतनी सर्दी लग रही। हाँ, बाहर निकलो तो बहुत ठंडी हवा थी, और अब भी चाय पीने को दिल कर रहा है। वैसे पी चुकी हूँ खाना खा के, लेकिन सोच रही हूँ मौसम बहुत प्यारा है, एक चाय का कप हो जाए। पूछती हूँ मम्मी से, मम्मी बड़ी जल्दी चाय के लिए हाँ करती है, ना नहीं करती। मम्मी जी चाय बनाओ, बना ले। मेरी माँ नहीं ना करती चाय के लिए, बल्कि कोई भी नहीं करता। जिनको चाय पसंद होती है ना, चाय लवर ही समझ सकते हैं। चाय और ना बहुत मुश्किल काम है। और ये व्लॉग जो है वो फ्राइडे नाइट से अब सैटरडे की जो है वो दोपहर से तक अब पहुँच चुका है, और अब हम जा रहे हैं बाज़ार। बाज़ार जा रहे हैं, और मैं, मेरी सिस्टर और अम्मी, हम तीनों ने अचानक से प्लान बनाया, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरी एनिवर्सरी है। थोड़ी सी शॉपिंग मैंने अपनी करनी थी, वो रहती थी, तो मैंने सोचा चलो जी आज सैटरडे है, जिम भी ऑफ है और टाइम भी है, तो क्यों ना आज बाज़ार जाकर अपनी शॉपिंग कर ली जाए, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। लेकिन ये व्लॉग आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा, होप सो संडे या मंडे तक मिल जाएगा। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग को 2-3 दिन तक लेके लूँ, तो सैटरडे को आगे अब बाज़ार जा कर देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं। और ये हम बाज़ार पहुँच गए। बाज़ार पहुँचते ही सबसे पहले जो है, इतना प्यारे से ये छोटे छोटे से जो थे ना, खुद से बच्चों के थे, और बहुत प्यारे लग रहे थे। शायद ये वीडियो में फिर भी मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े लग रहे हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वीडियो में ये बहुत बड़े लग रहे हैं। ये बहुत छोटे साइज़ के थे, लाइक 3 to 6 months के बच्चे के जो थे ना, वो खुद से थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये वापसी पे आते हुए मुझे जो थे वो मौलवी लड्डू पिठी वाले और गोलगप्पे वाले जो थे, बड़े फेमस हुए हैं आजकल सोशल मीडिया पर। काफ़ी मैंने इस पोस्ट को देखा था जी, ये वाले बहुत मज़ेदार हैं ये वो, तो मैंने सोचा अब गुजर रहे हैं पास से तो ट्राई कर लें, क्योंकि मैंने बहुत से ग्रुप्स में इनकी पोस्ट देखी थी। तो खैर खाए, लेकिन खट्टा इनका बहुत मज़े का था, खट्टा मीठा। वो अम्मी का गला काफ़ी देर से ख़राब है, तो किसी ने ये टोटका बताया था कि जी आपका गला अगर ख़राब हो ना, तो आप खट्टा ज़रूर पियो, क्योंकि उससे भी ठीक हो जाता है। तो अम्मी ने एक बार ऐसे किया था, बहुत फ़र्क पड़ गया। तो मैंने तो, और मेरी सिस्टर ने खाने थे लड्डू, अम्मी कह रही थी उनका दिल नहीं कर रहा, तो उन्होंने खट्टा अपने लिए पिया, क्योंकि अम्मी गोलगप्पे बिल्कुल नहीं खाती, उन्हें पसंद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बहुत मज़े का खट्टा, तो फिर मैंने कहा अच्छा बहुत मज़े का, तो फिर हम भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर हमने भी खट्टा पिया, और बस यहीं तक था व्लॉग। शॉपिंग मैंने इस व्लॉग में ऐड नहीं की, वरना व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।